हेलो फ्रेंड्स, ये है सितंबर 2024 और आज हम आए हैं तुतला भवानी मंदिर, यानी कि तुतला भवानी वाटरफॉल। ये है आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आने के लिए आप सबसे पहले डेहरी ऑनसन उतरते हैं या तो आप सासाराम उतर के यहाँ आ सकते हैं। अगर आप सासाराम रेलवे स्टेशन, जो कि सासाराम जंक्शन कहलाता है, वहाँ उतरते हैं तो वहाँ से आप ताराचंडी आइए। ताराचंडी मंदिर के तरफ से रास्ता निकला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट तुतला भवानी वाटरफॉल आ सकते हैं। या तो आप डेहरी ऑनसन अगर उतरते हैं तो आपको सबसे पहले तिलौथू आना पड़ेगा। तिलौथू से आपको ये ताराचंडी, यहाँ तुतला भवानी आप आ सकते हैं, जो कि तिलौथू से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और गेट से तुतला भवानी वाटरफॉल का जो दूरी है लगभग 2 किलोमीटर, जहाँ के लिए आपको छोटे छोटे ई रिक्शा, टेम्पो और फॉरेस्ट गार्ड का गाड़ी मिल जाएगा। और यहाँ पे घूमने लायक अच्छा है, वाटरफॉल है और पहाड़ी इलाका है, जहाँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा घूमने में। तो चलिए, हम आज 2024 के इस सितंबर के महीना में वाटरफॉल का आपको दृश्य दिखाते हैं और आप इस सीनिक व्यू का लुत्फ़ उठाइए। पहाड़ हमको दिख रहा है, झरना भी दिख रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर आपको झरना दिखाई दे रहा होगा, मगर झरने से पहले ये जो आपको दृश्य है यहाँ का पहाड़ी इलाका, आपको जो ई रिक्शा या टेम्पो से जाने से अच्छा पैदल जाइए, लुत्फ़ उठाते हुए ये सारा चीज़ देखते हुए। और यहाँ एक नर्सरी भी है जहाँ पे जीरा, हींग वगैरह का भी खेती किया जाता है। और एक बात, यहाँ पे बंदरों से बच के रहें, क्योंकि ये आपके कोई भी सामान छीन के जा सकते हैं। हाथ में अगर आपका कोई प्लास्टिक देखें या अकेला पाते हो तो आपको ये हमला कर सकते हैं। पे जाने के लिए यहाँ 5 रुपये का टिकट है। आप इस जो यहाँ 5 रुपये शुल्क दे के यहाँ से इस ब्रिज से आप झरना और वहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम 5 रुपये का टिकट खरीदेंगे। चलिए, झूले से जा रहे हैं जी। इस झूले पे चढ़ने के लिए आपको यहाँ से पार होके आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। और बंदरों से सावधान, क्योंकि ये आपके मोबाइल छीन के भाग सकते हैं। जब तक आप इन लोगों को कुछ खाने को नहीं दीजिएगा, ये आपको वापस नहीं देंगे। ये है झरना और हम यहाँ से रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं। देखिए, रास्ता अच्छा बना हुआ है ऊपर जाने का।